फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है एक बार से फिर आपकी यूट्यूब फैमिली में। तो देखिए दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ, ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने नाइट रूटीन से। तो रात का समय हो रखा है और बस मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो देखते हैं आज खाने में क्या बनता है। और वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा ब्लर ब्लर आ रहा है। तो चलिए खाना बनाती हूँ। अभी ऑफिस वाले ऑफिस से नहीं आए हैं कोई भी अभी, तो देखते हैं कब आते हैं वो लोग ऑफिस से। तो तब तक मैं खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो देखिए आज मैं खाने में क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज मेरे सिस्टर लोग आए हुए हैं, तो सोच रही हूँ आज मटर पनीर बनाऊँ मैं। तो रेसिपी तो कई बार शेयर की है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ दूसरी तरह से बना रही हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे, बनाती हूँ मटर पनीर। और यहाँ देखिए इधर टोपी पहन के आदि, और इधर आओ पहले तब बताऊंगी। हेलो बोलो। हेलो। हेलो फ्रेंड्स बोलो। हेलो गाइस। टोपी दिखाओ अपनी। बदतमीजी करता है, बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गया आदि, बहुत ही ज़्यादा। मैं बता भी नहीं सकती कितना बदतमीज हो गया। तो चलिए बनाते हैं खाना, शेयर करती हूँ आपसे रेसिपी। हाँ तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से मटर पनीर। तो मटर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और इसमें मैंने टमाटर, अदरक और लहसुन इसकी मैं प्योरी बना रही हूँ। तो मैंने देखिए खड़े मसाले में इसमें जीरा, थोड़ा सा धनिया, दो लौंग और दो काली मिर्च इसमें डाली है। और ये मैंने पनीर लिया है, इसको मैं कट कर दूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी गैस पर, इसमें तेल रख दिया है मैंने। तो ये पनीर को देखिए मैंने धोकर वॉश कर लिया है, इसको मैंने कट कर लिया है इस छोटे छोटे पीसेस में। ज़्यादा छोटे नहीं किए मैंने पीसेस, इस टाइप के ही पीसेस किए हैं। ये देख सकते हैं क्यूब क्यूब साइज़ में मैंने पीसेस में कट किए हैं। तो अब मैं इनको फ्राई करूँगी पहले पर इसको। तो मैंने ये सारे के सारे इसमें डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। तेल वगैरह गर्म हो चुका था, तो मैं इसको फटाफट इसको फ्राई करूँगी। इस तरह से बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है पनीर, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं अपने घर पे, कभी फ्राई करके देखना इस तरह से। जैसे कभी किसी का खास हो या फिर कोई जैसे लहसुन प्याज खाना पसंद ना करते हैं, तो इस तरह से मटर पनीर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाला मैंने ग्राइंड कर दिया है, पीस लिया है। मटर भी हमारे बॉयल हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए फिर दाना कितना अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो मैंने इसका पानी निकलने के लिए रख दिया है छलनी में। और यहाँ पर हमारा पनीर जो है वो भी हमारा फ्राई हो रहा है। तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज मेरे सिस्टर लोग आए हुए हैं, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है इतने टाइम बाद तो वो आई है। तो बस मैंने कहा क्या बनाऊँ जल्दी जल्दी में, बस यही लगा सकते हैं। चलिए पनीर बनाती हूँ, मटर पनीर मुझे पसंद भी है, तो कहीं चलिए मैं ये बना लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। गर्म पानी ही डालूँगी मैं साग में, ज़्यादा क्या मतलब मोस्टली मैं गर्म पानी ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, फटाफट से हो जाएगा। थोड़ी देर उनके साथ में बैठ के गपशप भी लगाऊँगी, क्योंकि इतने दिनों बाद आए हैं, मैं तो गई नहीं कई दिनों से। तो वही लोग आ गए मुझसे मिलने, तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज वो लोग आए। तो मैंने बताया था ना, मैं कह भी गई थी शौर्य के बर्थडे पे, मेरी सिस्टर है छोटी वाली, उसके बेटे का बर्थडे था, मैंने बताया था ना। तो बस वहीं पे आ रखे थे ये लोग, दूसरे दिन वो ये लोग यहाँ आ गए। तो यहाँ पर देखिए हमारे बातों बात बात करते करते हमारा पनीर भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसी ऑयल में बनाऊँगी मैं सब पनीर को, एक्स्ट्रा ऑयल से नहीं डालूँगी। तो देखिए कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं मैंने ये तेल गर्म हो चुका था, मैंने इसमें थोड़ा सा जखिया डाल दिया, और ये डाल दिया मैंने इसमें मसाला जो मैंने 20,000 में ग्राइंड किया हुआ था, सारा मैंने मसाला इसमें डाल दिया है। अब मैं इस मसाले को अच्छे से फ्राई करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने मतलब ग्रेवी भी इसकी क्या होती है, ग्रेवी भी इसकी अच्छे से पक जाती है इस तरह से, मतलब गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी होती है जैसे मटर पनीर की होती है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है मैंने इसमें, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, और ये आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें मिर्ची डाली है, और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है आधा चम्मच। अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी मसालों को।
और थोड़ा सा उसमें लगा था तो मैंने मिक्सर जार में लगा था, मैंने पानी डाल दिया उसमें डाल के उसमें वापस। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मसाले ने जो है वो तेल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छा ग्रेवी, देखिए कितनी अच्छी रेडी तैयार हो रही है और इस तरह से पीस के अच्छा बनता है। तो ये देखिए मटर लिए हैं मैंने, जो मैंने छलनी में छानने के लिए रख दिया था इनका पानी, बॉयल मटर है ये, तो मैं इनको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। तो ज़्यादातर मटर की सब्ज़ी हो या मटर किसी भी चीज़ डालो तो मैं बॉयल करके रख ही डालती हूँ। और ये देखिए मैंने थोड़े से चावल लिए खिचड़ी के लिए, पापा के दांत में दर्द हो रहा था ना तो उन्होंने दांत निकाला है, तो उन्होंने बोला मेरे लिए पतली खिचड़ी बनाना, तो मैं गर्म पानी से इनको भिगा देती हूँ क्योंकि जल्द जल्दी मैं भिगाऊँगी ना, अगर थोड़ी देर पहले भिगाती तो फटाफट से हो जाता, कहीं देर तो गर्म पानी में भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पनीर भी इसमें डाल दिया है, मटर भी अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुकी है, थोड़ा सा पनीर भी अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए उसके बाद मैं पानी इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको चला लूँगी और कलर देख सकते हैं आप कितना अच्छा आया है हमारे मटर पनीर का, धुआं की वजह से ब्लर लग रहा है थोड़ा। तो ये देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से अगर फ्राई करके बनाते हैं ना तो पनीर जो है वो पीसेस नहीं होते, टूटते नहीं है पनीर हमारे साग में, अगर हम फ्राई करके मटर पनीर बनाते हैं या पनीर बनाते हैं अगर हम फ्राई करके तो टूटते नहीं है, जो टूट जाते हैं ना मेल्ट हो जाते हैं वो नहीं होते, इसलिए फ्राई करके अच्छा रहता है। मैं तो हमेशा जब भी पनीर बनाती हूँ मैं फ्राई कर कर ही बनाती हूँ। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैंने इसे पानी डाल दिया है, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें पानी डाला है। तो ये देखिए बस अब इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ मैं जब तक हमारा पनीर पकता है। और ये देखिए मैंने दूध से थोड़ी सी मलाई भी निकाली है, थोड़ी सी क्रीम डालूँगी मैं इसमें। तो यहाँ पर हमारा जो पनीर देख सकते हैं अब उबल रहा है, ये देखिए मैं साथ साथ इसको चला भी ले रही हूँ ताकि नीचे ना लग जाए हमारा मसाला और वो। तो देखिए मैं थोड़ा सा ही इसमें डालूँगी पनीर मसाला, मार्केट सुहाना पनीर मसाला है, थोड़ा सा मिल जाता है मार्केट में आसानी से, 5 रुपए का पैकेट आता है, 5-10 रुपए का, तो इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है इस पनीर में। तो ये देख सकते हैं हमारा पनीर कितने अच्छे से उबल रहा है, कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है, और मैंने इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी है, कम ही लोग थे तो मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कम ही रखी है इसमें ग्रेवी। तो ये देख सकते हैं वाओ, मुँह में पानी आ गया, बाद में एडिट कर रही हूँ मैं ये, लेकिन मेरे मुँह में सच में पानी आ गया, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो ये जो क्रीम थी थोड़ी सी मलाई निकाल रखी थी मैंने अलग से, ये भी मैंने निकाल दी, ये सीक्रेट है पनीर को टेस्टी बनाने का, इसमें आप मलाई इसमें इस तरह से ऐड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और टेस्ट भी दोगुना हो जाता है मलाई डालकर। तो इस तरह से ज़रूर आप लोग भी एक बार बनाइएगा ज़रूर अपने अपने घरों में, तो बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से पनीर बाजार वाला। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा समय लगा था, मैं तो ये भी साफ कर लेती हूँ इसमें। तो चलिए प्लेटिंग करते हुए दिखाती हूँ आपको मैं जब खाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा मटर पनीर बनकर बिल्कुल रेडी है, ये देख सकते हैं पनीर एक भी पीस टूटा नहीं है पनीर का, सब बिल्कुल वैसे साबुत ही है पनीर के पीसेस। तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो देखिए थोड़ा सा हलवा भी बनाया था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Oh, 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 o